सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर 2019। आप सभी लोग विचार कर रहे होंगे कि साल के जाते जाते ये अंत में जो ग्रहण आया है कुछ दिनों पहले, ये आपकी राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। इस ग्रहण के बारे में बताना चाहूंगी कि ये अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में भी थोड़े स्तर पर दिखाई देने वाला है, लेकिन माना जा रहा है कि ये सूर्य ग्रहण इस बार अत्यधिक प्रभावशाली है। उस दिन 6 ग्रह एक साथ धनु राशि के लग्न में स्थित होंगे, सूर्य, चंद्रमा, केतु, बुध, बृहस्पति और शनि। तो आगे जितने भी वीडियोस आप देखेंगे अपनी अपनी राशियों का, उसमें आप जानेंगे कि आपकी राशि में इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होने वाला है। सूतक, सूतक 25 तारीख को शाम में 5:30 से प्रारंभ हो जाएगा। सुबह 8:17 से 10:57 तक ग्रहण काल रहेगा। सिंह राशि वैसे भी सूर्य की राशि है। बताना चाहूंगी गर्भवती महिलाओं को इस समय में सतर्क रहना होगा जो सिंह राशि की हैं। उन्हें काफी विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो परेशानी में आ सकती हैं। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी आपको संतान नहीं है और आप इस समय में संतान उत्पत्ति के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आगे सोच रहे हैं कि बच्चा होना है, डॉक्टर से मिलना चीज़ें, तो आप थोड़े दिन के लिए, कम से कम 1 महीने के लिए इस बात को टाल दीजिए, क्योंकि ग्रहण का असर तब तक रहता है, इसमें यह संभव नहीं हो पाएगा और आप परेशान भी होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप इस समय को टाल दें और आगे अगले महीने से प्रयास करें। धन हानि का योग भी आप में दिखाई दे रहा है, आपकी सोच भ्रमित हो जाएगी, आप इस समय पर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, इसीलिए सावधान रहिए। कोई बड़े निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं तो कम से कम 1 हफ्ते पहले और बाद में इन चीजों को टाल दीजिए। कोई भी विशेष काम ऐसे समय पर मत करिए, आप बाद में भी कर सकते हैं। तो अंत में सिंह राशि वालों, मैं छोटा सा उपाय बताना चाहूंगी, अगर आप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। गणेश जी की आराधना करिए, उनका मंत्र जाप करिए, क्योंकि गणेश जी की आराधना से केतु शांत होते हैं और पूरा ग्रहण ही केतु की वजह से है। इसलिए गणेश जी की आराधना करिए, उनका मंत्र पढ़िए और उसके अलावा सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और सूर्य मंत्र का जाप कीजिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान करिए और कुछ आप चाहते हैं कि दान करना है, पुण्य के काम करने हैं, तो वो अवश्य कीजिए। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।